सियासत के अंदर पोस्टर वार लगातार जारी रहता है। एक तरफ बिहार में आरजेडी ने पोस्टर लगाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, लेकिन दूसरी ओर बिहार के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक पोस्टर लगी है राजगीर में, मलमास मेला है वहां पर, और वहां पर बिहार सरकार की पोस्टर से तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है वो नहीं दिख रहे, उनको गायब कर दिया गया। अब इस पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है कि आखिर बिहार सरकार के इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर तो है, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों आउट हो गई, क्यों गायब हो गई, क्या है ये पूरा माजरा इस रिपोर्ट में। बिहार की महागठबंधन सरकार में बीते कुछ दिनों से खींचतान देखने को मिल रही है। मंत्री और अधिकारियों के बीच पटरी नहीं खा रही। आरजेडी नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा मंत्री के इस रवैये से मुख्यमंत्री की किरकिरी हुई। दूसरी ओर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं। विरोधी अब नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इससे सुशासन बाबू की इमेज को गहरा डेंट लग रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार भी पूरी तरह खामोश हैं। बस पिछले हफ्ते वे लगातार अपने विधायकों, सांसदों और नेताओं से वन टू वन मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री को करीब से जानने वालों का कहना है कि नीतीश कुमार जब भी कमजोर पड़ते हैं या उनकी स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती तो वे पूरी तरह खामोश होते हैं, किसी तरह का कोई बयान नहीं देते, अपने नेताओं से अकेले में मुलाकात करते हैं और ज्यादा होने पर वे पटना से बाहर चले जाते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस तरह के पोस्टर से नीतीश कुमार ने आरजेडी को साइलेंट मैसेज देने का काम किया है। आरजेडी नेता अगर नहीं सुधरे तो महागठबंधन सरकार गिर सकती है। वहीं नीतीश कुमार ने राजगीर मेले की तैयारियों का जायजा लिया और बिना मीडिया से बात किए वापस पटना लौट आए। बता दें कि राजगीर मलमास में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में टेंट सिटी का निर्माण हुआ। इसके अलावा राजगीर स्थित सरस्वती नदी और वैतरणी नदी की उराही पर घाटों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।